तुला राशि वालों नमस्कार दोस्तों, जय माता दी। स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल में। तुला राशि वालों दोस्तों, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। तुला राशि वालों, आने वाले अगले 24 घंटे तक अपने दिल और दिमाग दोनों शांत रखना, जी हाँ, और अपने घर की सभी खिड़की दरवाजे बंद करके देखना। तुला राशि वालों, आज की यह वीडियो शुरू से लेकर अंत तक देखना, हम आपके लिए ऐसे ऐसे गुड न्यूज लेकर आए हैं जिन्हें जानकर आपके पैरों तले जमीन खिसक जाएगी, जी हाँ तुला राशि वालों, क्योंकि दोस्तों रिद्धि सिद्धि के दाता और धन की देवी लक्ष्मी माता रानी आपकी एक आशीर्वाद मिलने वाली है, बहुत ही बड़ी खुशखबरी। जी हाँ दोस्तों, खुशखबरी तो आपके जीवन में बहुत आई होंगी और चले भी गए होंगे, लेकिन तुला राशि वालों इस बार आपके लिए वो गुड न्यूज लेकर आए हैं। आने वाले अगले 24 घंटे के अंदर आपको ऐसी खुशखबरी प्राप्त होगी जिनके बारे में आपने कभी सोचा तक नहीं होगा, लेकिन सावधान हो जाइए, क्योंकि दोस्तों अब आपको सावधान होने की जरूरत है, अब आपको संभल संभल कर कदम बढ़ाने की आवश्यकता है, क्योंकि दोस्तों जो आपके नसीब में नहीं है वो भी अब आपको मिलने वाला है, क्योंकि दोस्तों माता रानी लक्ष्मी जी और रिद्धि सिद्धि के दाता भगवान श्री गणेश जी दोनों आपके ऊपर मेहरबान हो चुके हैं। जी हाँ दोस्तों, आज केवल नसीब वाला ही इस पूरी वीडियो को देख पाएगा। देखिए दोस्तों, YouTube पर हर रोज वीडियो बनते हैं, लेकिन जो जानकारी हम आपको देते हैं और जो जानकारी हम आपको देने वाले हैं, ये जानकारी आपको कोई नहीं दे सकता और ना ही किसी ने आपको दिया होगा, क्योंकि दोस्तों हम जो भी बातें बताते हैं वो सभी बातें ग्रह गोचर पर आधारित होती है। वीडियो का निर्माण करते समय पूरी कुंडली विश्लेषण करते हैं और बदलती ग्रह गोचर के अनुसार बताते हैं। आज आपको केवल वही बातें बताएंगे जो आपके साथ घटित होने वाली है। जी हाँ दोस्तों, आज की यह वीडियो को आप शुरू से लेकर अंत तक देखकर आप आने वाले भविष्य का निर्माण कर सकती हैं, भविष्य में होने वाले सभी छोटी बड़ी घटनाओं के बारे में जान सकती हैं। कुछ ऐसी घटना भी है जिनसे आपको बचकर रहना है और कुछ ऐसी घटना है जो कि आपके नसीब के द्वार खोल देगी। जी हाँ, लेकिन सही समय पर सही चुनाव करना बहुत जरूरी है। आज की यह वीडियो में इसी के ऊपर विस्तार से बताएंगे, थोड़ा सा समय देकर वीडियो को आप शुरू से लेकर अंत तक देखिएगा, लेकिन उससे पहले रिद्धि सिद्धि के दाता और भगवान माता रानी लक्ष्मी जी के सभी सच्चे भक्त वीडियो को लाइक कर दें और नीचे कमेंट सेक्शन में जय श्री गणपति महाराज, जय माता रानी लिखकर हमारे यूट्यूब चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। आइए दोस्तों बात करते हैं। तुला राशि वालों, अगले 24 घंटे ग्रहों की जो स्थिति है वो आपके लिए राजयोग का निर्माण कर रही है, आपके लिए धन प्राप्ति के योग बना रहे हैं। जी हाँ, यानी कि आपको धन मिलने वाला है, आपका रुका हुआ धन मिलने वाला है, फंसा हुआ धन मिलने वाला है, और पूर्व में अगर आपने किसी को धन उधार दिया हुआ था तो वो धन भी आपको अगले 24 घंटे के अंदर प्राप्त हो सकता है, और ये बड़ा चमत्कार भगवान श्री गणेश जी और माता रानी लक्ष्मी जी के आशीर्वाद से होने जा रही है। जी हाँ दोस्तों, इसीलिए हमने कहा है कि जो आपके नसीब में नहीं है, जिसको आपने अपने तरफ से भुला दिया था, मिलने के बराबर ना के बराबर था, वो भी अब आपको मिलेगा, लेकिन अपने दिल और दिमाग दोनों शांत रखना, क्योंकि दोस्तों बहुत से लोग ऐसे भी हैं कि उसके जीवन में कुछ आते ही कुछ लोग खुशी से पागल होने लगते हैं और उस खुशी का ढिंढोरा सब जगह पीटने लगते हैं, सभी को एक एक कर बताने लगते हैं। इससे आपका यह नुकसान होता है कि आपकी खुशियां एक दूसरे को बर्दाश्त नहीं होने लगती है और वो लोग आपके बारे में बुरा सोचने लगते हैं, किस तरह से इसका खुशियां छीना जाए, और यही गलतियां यहां पर आपको नहीं करनी है। भगवान जो चीज आपको दे रहे हैं चुपचाप
अपने तक ही सीमित रखना, तभी आप अपने जीवन में आगे बढ़ पाएंगे। आपको अपने जीवन में अगर आगे बढ़ना है तो आपको थोड़ा सा चतुर बनना पड़ेगा और समय के साथ कार्य करना होगा, समय के साथ चलना होगा। जो इंसान समय के साथ चलता है और समय पर कार्य करता है, उसी का मेहनत का पूरा पूरा परिणाम मिल पाता है। जी हाँ दोस्तों, देखिए दोस्तों, जो पानी से नहाएगा वो सिर्फ लिबास बदल सकता है, लेकिन जो पसीने से नहाएगा वही इतिहास बदल सकता है। अगर आपको इतिहास बदलना है तो आपको पसीने से नहाना होगा, दिन रात एक करना होगा। अगर आपको अपने सपने पूरे करने हैं, अगर आपको अपने लक्ष्य को प्राप्त करना है, तो आपको बातों से नहीं रातों से लड़ना पड़ेगा। जी हाँ, कुछ दिन तक आपको अपने ऐशो आराम की जिंदगी को त्यागना होगा, क्योंकि आराम हराम होता है। दोस्तों, गुरु जी के बताई गई इन बातों से अगर आप सहमत हैं, इन बातों को आप अच्छे से समझ पा रहे हैं, तो वीडियो को एक लाइक जरूर कीजिएगा और नीचे कमेंट बॉक्स में कहिएगा, गुरु जी आप एकदम सही कह रहे हैं। आने वाले अगले 24 घंटे तक आपको अपने सेहत का विशेष ध्यान रखना होगा, क्योंकि दोस्तों इस समय आपकी सेहत आपको परेशान कर सकता है। क्योंकि दोस्तों आपकी एक गलती यह है कि आप बाहर के खान पान से ज्यादा ताल्लुक रखते हैं, ज्यादा इंटरेस्ट लेते हैं, इसीलिए दोस्तों आपकी परेशानियां थोड़ी बहुत बढ़ने वाली है। देखिए दोस्तों, सितारे कहते हैं आप अपने प्रेम से संबंधित रिश्तों में कड़वाहट और जटिलताएं तलाश सकते हैं, जबकि ऐसा कुछ भी नहीं है। आप अपने साथी पर विश्वास करने में असमर्थ महसूस कर सकते हैं, जी हाँ, और अपने रिश्तों को तोड़ने के बारे में भी सोच विचार कर सकते हैं। हालांकि संभावना है कि अपने साथी के बजाय अपने मुद्दे तक ही सीमित रखें, निहित रखें और कोई भी कदम उठाने से पहले विश्लेषणात्मक तौर पर दोबारा जरूर सोच विचार कर लें, नहीं तो दिक्कत हो सकता है। अगर आप बेरोजगार हैं तो एक अवसर आज आपके दरवाजे पर अपनी दस्तक दे सकता है। जी हाँ, क्योंकि दोस्तों माता रानी लक्ष्मी जी की कृपा आपके ऊपर पड़ रही है और साथ ही साथ रिद्धि सिद्धि के दाता भगवान श्री गणेश जी का भी आशीर्वाद आपके ऊपर पड़ रही है। जी हाँ, दोनों हाथों से इसे लें, आपके पास खोने के लिए अभी कुछ भी नहीं है। कृपया करके मुफ्त सलाह प्रदान करने वालों से दूर रहने का प्रयास करें, नहीं तो आज आपको कोई गलत सलाह दे सकता है और अगर आप बिना सोचे समझे उस पर चलते हैं तो आज आपको नुकसान हो सकता है। जी हाँ, आप नौकरी पाने के पश्चात अपनी ईमानदारी और समर्पण दिखाएं, आपको एक नए क्षेत्र से अवसर प्राप्त हो सकता है। जी हाँ दोस्तों, विभिन्न क्षेत्रों से आप अपने लिए नौकरियां खोजें, समय आपके लिए बहुत अच्छा है, इस समय आप जितना प्रयास करेंगे उतनी सफलता मिलेगी। जी हाँ दोस्तों, आपकी सफलता हासिल करने की इच्छा आज और प्रबल होती जाएगी। जी हाँ दोस्तों, आप आज अपने लिखित और वक्ता कला में सुधार के लिए कोशिश कर सकते हैं। सफलता के लिए महत्वपूर्ण टिप्स पढ़ें या किसी कुशल आदमी से मार्गदर्शन ले लें। हालांकि इन सब के चक्कर में उनकी भी अपेक्षा ना करें जो लंबे समय से आपने धन और समय की प्रतीक्षा में प्रयास किए हैं। जी हाँ दोस्तों, देखिए दोस्तों, आपके लिए जो समय होंगे, इस समय बहुत ही महत्वपूर्ण समय है कि आप एकदम से किसी निष्कर्ष पर ना पहुंचें या अपने रिश्तों में गलतफहमियां पैदा ना होने दें। जी हाँ दोस्तों, रिश्ते में खुलापन और ईमानदारी लेने की पूरी कोशिश करें। देखिए दोस्तों, क्योंकि इस समय आपके इस रिश्तों पर विश्वास के बादल छाए हुए हैं, इस बात का विशेष ध्यान रखें कि कोई भी तीसरा आदमी आपके पार्टनर से जुड़े किसी भी मुद्दे पर आपसे किसी फैसले या विचार को प्रभावित न कर पाए। जी हाँ दोस्तों, आज आपका निराशा तीर पर, आज आपका निशाना तीर पर जाकर लगेगा और आपने जो चाहा था वो भी मिलेगा। बस आप अपना धैर्य बनाए रखें, क्योंकि आपके बैठने की जगह में परिवर्तन आ सकता है।
जी हाँ दोस्तों, भगवान भोलेनाथ की कृपा बन रही है और साथ ही साथ माता रानी लक्ष्मी जी भी बड़ा चमत्कार करेंगे। आपके नसीब के द्वार बहुत ही जल्द खुलने वाले हैं। आपको एक नई जगह पर कार्य करना पड़ सकता है और उसमें आपको देखिए मन मुताबिक से ज्यादा लाभ होगा। आपकी धारणा के विपरीत इस नए कार्यालय में आपके आत्मविश्वास और स्वतंत्र रूप से प्रदर्शन करने की क्षमता को बढ़ावा मिलेगा। जी हाँ दोस्तों, आज आपकी बात सब कोई मानेंगे और घर वाले भी आपकी बात पर काफी ज्यादा नजर डालेंगे। इसलिए दोस्तों, आज आप सोच समझकर ही बोलें और सोच समझकर ही कार्य करें तो आपके लिए बेहतर रहेगा। दोस्तों अभी के लिए इतना ही, मिलेंगे फिर अगले वीडियो में। तब तक आप अपना ख्याल रखें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें। और हाँ, अगर आप हमारे इस YouTube चैनल पर नए हैं या पहली बार आए हैं या फिर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। दोस्तों मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। धन्यवाद।